मक्के के फूल बेचने वाले को अंग्रेजी में पॉपकॉर्न, सिनेमा में चले जाओ इतना डब्बा 280 रुपया का है और मक्का लोगे 30 रुपया किलो। बारात में आए हैं क्या? चिप्स बनाने, दो आलू का चिप्स पैकेट में नहीं होता पूरा, बड़े दो आलू 30 रुपए का है, बाकी तो हवाई है उसमें, है ना नवीन जी? वो 80 रुपया बोरा क्यों खरीद रहा है, क्यों उसको उपलब्ध हो? इस पर भी कोई कानून होना चाहिए, कोई व्यवस्था लाइए। सरकारी बाबू जो बियर हाउसिंग के होते हैं, ये अपना अनुभव बता दे रहा हूं, एक बार बुरी लगे तो भी भली और बुरी भली लगे तो अच्छी बात। वो लोग क्या करते हैं, जो गेहूं खुले में रख देते हैं बरसात में जानबूझ के, क्या तो 10-20 हजार क्विंटल, लाख क्विंटल कहीं भीग जाता, कहीं 10 हजार क्विंटल, कहीं कुछ कैसा करके भीग जाता, देश भर में कई लाख क्विंटल अनाज भीग के खराब हो जाता है। ठीक, वो जानबूझ के भी भिगो देते, ऐसे ऐसे संत लोग हैं, सत्य प्रवृत्ति के ऐसे ऐसे अधिकारी हैं। उसके बाद वो बेच देते हैं उन्हें पौने दाम में बियर फैक्ट्री को। क्या ये कोई रॉकेट साइंस है, कोई गुप्त बात बता रहा हूं? इस किसको नहीं पता, नवीन जी को नहीं पता, सुनील जी को नहीं पता, उमा शंकर जी को नहीं पता, हरनाम जी को नहीं पता, कि कुलदीप को नहीं पता, कि भीम सिंह साहब को नहीं पता, क्या सच्चाई नहीं है? अब वो चार घूट की गिलसिया 50 रुपया 60 रुपया 80 रुपया बेच रहे हैं और लोग लाइन लगा के पी रहे हैं, और जिसने जौ उपजाई उसके घर के बर्तन बिके जा रहे हैं। और हम सब लोग कह रहे नारा लगाओ सब ठीक है, कैसे के नारा लगा दूं ना? मेरा तर्क यह है, इसका तो उत्तर कोई दे। पेप्सी जब चिप्स बना के बेचती है तो वो फरुखाबाद मैनपुरी और आगरा के आदमी को, आलू उत्पादक को क्या दाम देती है? कभी पूछा पेप्सी से बुला के कि लूट की कोई सीमा रखोगे कि नहीं, कि सिरिंज लगा के किसान का खून चूस लोगे? उसकी मजबूरी है, जिस दिन हरनाम सिंह के पास इतना पैसा हो जाएगा कि ये पेप्सी जैसा प्लांट लगा ले, उस दिन इनके आलू कोई औने पौने दाम नहीं खरीद पाएगा। लेकिन ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, पांव में चप्पल आ जाए तो किसान मानता है मेरी तरक्की हो गई, ये देश वहां खड़ा है 75 साल की आजादी के बाद। बाकी सारी बातें ठीक है किताबों में, किसान की स्थिति को लेकर मुझे बड़ी पीड़ा होती। अभी एक ट्रैक्टर भारत का बड़ा लोकप्रिय ब्रांड है ट्रैक्टर में, महिंद्रा, अभी उसके नॉर्थ इंडिया के हेड आए थे मेरे पास, तो मैंने स्वाभाविक उत्सुकता में पूछा भाई क्या स्थिति परिस्थिति है? नवीन भाई सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि भाई साहब कोरोना में सबकी डिमांड घट गई, केवल ट्रैक्टर की डिमांड इतनी हो गई कि हम सप्लाई नहीं कर पाए। कोरोना में अगर कोई जागृत रहा है, संसद सो गई, विधानसभा सो गई, मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, व्यापार बंद हो गए, केवल जागृत रहा है किसी देवता की तरह तो खेत रहा है, किसान रहा है। मेरी आंख भर आती है, ये जागृत देव है भारत का खेत, किसान, भारत का खेत। बाबा विश्वनाथ के कपाट बंद हो गए, वैष्णो देवी के कपाट बंद हो गए, बांके बिहारी महाराज के कपाट बंद हो गए, जामा मस्जिद बंद हो गई, स्वर्ण मंदिर बंद हो गया, भारत की संसद का दरवाजा बंद हो गया, भारत का खेत बंद नहीं हुआ। यह अद्भुत उदाहरण है जो पूरे देश को 135 करोड़ लोगों को सिर झुकाना चाहिए इसके लिए, भारत के किसान के लिए। मैं निवेदन करूंगा, नीति आप सरकार में हो, आप ही नीति लाओगे, और कौन लाएगा? लेकिन जो हितग्राही है उनको संतुष्ट करिए, लोकतंत्र की मांग है। किसान, भारत अभी भी बहुत कुछ खेती पर निर्भर करता है मित्र, एक मानसून बिगड़ जाता है तो निफ्टी और सेंसेक्स सबके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था हांफने लगती है। आज भी भारत का आर्थिक ढांचा खेती पर टिका है,
इस सत्य को ध्यान रखिए, किसान खुश होगा तो देश खुश होगा।